हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल नॉलेज। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी सेल आती है फ़ोन की और आप उस फ़ोन को बुक नहीं कर पाते हैं, चाहे वो अमेज़ोन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, एम आई स्टोर या फिर रियल मी स्टोर पे ही क्यों ना हो, तो आप उस फ़ोन को किस तरीके से बुक कर सकते हैं या फिर उस प्रोडक्ट को किस तरीके से बुक कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और एक सिंपल ट्रिक यूज़ करके हम फ़ोन को बुक करके भी दिखाएंगे आपको इस वाली वीडियो में, और वो भी लाइव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल आती रहती है कई कई फोन्स की। तो उस फोन पे जैसे ही आप परचेज करना चाहते हैं, उस डेट पर जिस दिन सेल ओपन होती है, तो विद इन सेकेंड्स वो सेल ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है और आप उसे ऑर्डर नहीं कर पाते, क्योंकि कई सारे हजार कई लाख बंदे उस पर एक साथ क्लिक करते हैं और उस फोन को ऑर्डर करते हैं, तो आप वो ऑर्डर नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम आपको एक सिंपल से ट्रिक यूज करके बताएंगे किस तरीके से आप 100% अपना फोन बुक कर सकते हैं, वो भी कुछ सेकेंड्स के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल पे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये ट्रिक मोबाइल में अगर यूज़ करेंगे आप तो वो भी है, लेकिन मोबाइल में चांसेस कम होते हैं थोड़ा। तो आप ये किसी पीसी या डेस्कटॉप में यूज़ करेंगे तो ये बेटर रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल पे। गूगल पे आपको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, छोटा सा, ज़्यादा एमबी का नहीं होता, वो कुछ ही केबी में होता है, एक्सटेंशन होता है एक्चुअली, वो सॉफ्टवेयर भी नहीं होता। तो आपको यहाँ पे लिखना है फ्लिप शॉप ऑटो बाय। तो फ्रेंड्स, आज की इस ट्रिक में मैं आपको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके दिखाऊंगा। आप अमेज़ॉन पे भी यही ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये आपको फ्लिपकार्ट पे यूज़ करके बता रहा हूँ। तो ये एक्सटेंशन आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, सो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एड टू क्रोम आ रहा है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके क्रोम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपके डेस्कटॉप पे नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ क्रोम के अंदर ये शो करता है, इसलिए इसे एक्सटेंशन बोलते हैं। सॉफ्टवेयर होता तो आपके सिस्टम में आता ही है, लेकिन ये सिर्फ क्रोम में आता है। तो देखिए यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, अब यहाँ पे चेक कर रहा है ये। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, इस एक्सटेंशन को खोल लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये एक्सटेंशन है फ्लिप शॉप। तो ये एक्सटेंशन यहाँ पे आ गया, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं, आप जैसे ही इस एक्सटेंशन को ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस बन के आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारी सेल है, फ्लैश सेल है, जैसे फ्लिपकार्ट पे कुछ होने वाली हैं, उसके बाद यहाँ पे अमेज़ॉन पे भी होने वाली हैं कुछ सेल, उसके बाद यहाँ पे एम आई स्टोर पे भी, लेकिन फिलहाल अभी हमें फ्लिपकार्ट पे करना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ऑटो चेकआउट का एक ऑप्शन यूज़ करूँगा, जिसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, बस एक क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन परचेज हो जाएगा। सिर्फ आपको एक कैप्चा एंटर करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखा रहा है ऑटो चेकआउट फीचर यूज़ करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन आईडी नहीं बना रखी है, तो आप साइन अप करके यहाँ पे बना सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे लॉगिन आईडी बना रखी है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ पहले। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा नाम आ रहा है यहाँ पे और मैंने इसको लॉगिन कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया, विदाउट पेमेंट या फिर फोन पे या फिर यूपीआई। तो विदाउट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी पे आपका फोन ऑर्डर हो जाएगा। तो आपको अगर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपको एक ऑप्शन और आएगा कि पेमेंट करने के लिए आप दूसरे पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विदाउट पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कैश ऑन डिलीवरी पे करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, फ्लिपकार्ट पे जो सेल आपकी ऑन होने वाली है उसका टाइम भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे आपको जिस प्रोडक्ट पे जो परचेज करना है, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मेरे को एक प्रोडक्ट परचेज करना है, टेक्नो स्पार्क, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये आपका एक पेज खोल देगा। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी डेट यहाँ पे करेक्ट कर लेनी है आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की। मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं, मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैंने अपनी डेट सिंक्रोनाइज कर ली है, यानी कि बिल्कुल टाइम मैच कर लिया है घड़ी के साथ। तो यहाँ पे जैसे ही ये कुछ टाइम होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये पेज रिफ्रेश होने लगेगा। तो चलिए अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये काम करता है। तो आपको सेटिंग सब कुछ इस तरीके से कर लेनी है, आपको एड्रेस पहले से सेव करके रखना है,
और आपको अपने पेमेंट मेथड भी सेव करके रखना है अगर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं आता है तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए था टेक्नो स्पार्क पावर 2 मिस्टी ग्रेस 64 GB 4 GB रैम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं अभी ये टाइम दिखा रहा है, तो ये अभी थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिकली चलने लगेगा, तो अभी वेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं करीब करीब 12 बजने में, यानी कि इसकी सेल ओपन होने में। अब देखिए अब कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये ऑटोमेटिकली आपके कार्ट में ऐड कर देगा और ये ऑटो चेकआउट कर देगा अगर आपने ऑटो चेकआउट ऑप्शन चूज कर रखा है तो। तो फिलहाल देखिए वेट करते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, जैसे ही 12 बजेंगे वैसे वैसी आप देखिएगा ये ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन परचेज कर देगा, बस आपको एक कैप्चा एंटर करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं। सो फ्रेंड्स कुछ ही सेकंड से रह रहे हैं 12 बजने में, ये देखिए बज गया 12, ये ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो गया और इसने डिलीवरी एड्रेस भी ले लिया, ऑर्डर समरी भी ले ली। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पे आ गया फ्रेंड्स, जैसे कि हमें यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो हमने कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक किया, कैप्चा क्लिक किया, उसके बाद कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक करना है हमारे को। तो ये आपको सिर्फ एक ही स्टेप करना होता है, ये कैप्चा एंटर करना होता है। उसके बाद देखिए ये देखिए फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली हमारा हो गया सिर्फ एक कैप्चा एंटर करने पर। अब ये फ्लिप शॉप की वेबसाइट ओपन करेगा, उसको आपको कार्ड देना है या फिर आप देख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। बट अब आपका ये क्या है कि आपका जो फ़ोन था वो ऑर्डर हो चुका है, तो अब चलेंगे हम वेबसाइट पे वापस फ्लिपकार्ट पे। तो देखिए वहाँ पे हम देखेंगे, पहले मैं इसको काट देता हूँ, उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स ऑर्डर प्लेस्ड। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर दिखा रहा है टेक्नो स्पार्क 2। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने देखा कि किस तरीके से हमने आपको एक सिंपल ट्रिक के ज़रिए आपको फ़ोन ऑर्डर करके दिखाया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।